नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर सरोज। तो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर में सब ठीक होंगे। और यहाँ पे जो है मैं भी ठीक हूँ, अभी जो है पहले से बहुत ही बेटर हूँ। जैसे कि आपको मैंने बताया था पिछले कल, तो परसों मैंने लगाई थी सेकेंड डोज, कोविड वैक्सीन का जो सेकेंड डोज था वो, क्योंकि 3 महीने जो है मेरे पूरे हो गए थे, 90 डेज से ऊपर हो गया था, तो इसलिए जो है मैंने वो लगवा लिया है। तो एक दिन तो कुछ नहीं होता, लेकिन सेकेंड डे जो है मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती है। पिछले इंजेक्शन में भी ऐसा ही हुआ था और इसमें भी ऐसा ही हुआ। तो जब मैंने पिछली डोज लगवाई थी ना, तो उसके जो सेकेंड डे तो बहुत ही ज्यादा मेरे बहुत ज्यादा बुरे हाल हुए थे, मतलब पूरी बॉडी दर्द और इतना ज्यादा बुरे हाल। लेकिन इस बार जो है मुझे हेडेक हुआ और हल्की हल्की बॉडी पेन हुई, और फीवर मुझे नहीं आया, बस मुझे बॉडी पेन और हेडेक ही हुई। और पिछली बार भी मुझे ऐसे ही हुआ था, पिछली बार ज्यादा बॉडी एक हुई थी, इस बार थोड़ा कम हुई। शायद मैंने पैरासीटामोल पहले ही खा लिया था, तो उसकी वजह से शायद ज्यादा नहीं हुई। और पिछली बार मैंने पैरासीटामोल नहीं खाई थी, रात को नहीं खाई थी, तो दूसरे दिन जो है बहुत बुरे हाल हुए थे। लेकिन अब जो है मैं ठीक हूँ, थोड़ा हल्का हल्का हेडेक है, लेकिन वो भी धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि ये इंजेक्शन शायद गर्म होता है तो थोड़ा मतलब इसमें एक दो दिन रहता है प्रॉब्लम। लेकिन अब मैं ठीक हूँ और मैंने सोचा आपके साथ जो है व्लॉग शेयर कर देती हूँ और आपको बता देती हूँ कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि आप लोगों का इतना प्यार रहता है ना। आप लोग जो है मैसेज करने लग जाते हो, अगर वीडियो नहीं आता है तो कोई इंस्टाग्राम में मैसेज कर देता है, कोई मेल कर देता है, तो आप लोगों का इतना प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए जो है मैंने आज व्लॉग बना दिया। और अब अभी जो है ना, ये क्लिप जो है पिछले जिस दिन वो हमारे त्योहार था पुत्रोड़ों की संक्रांति, उस दिन का भी है और कुछ जो है पिछले कल का है, मतलब मिक्स जो है, जो जो क्लिप मैंने बना के रखी थी वो मैंने इस व्लॉग में ऐड की है। तो चलिए अभी आप व्लॉग देख लीजिए। और फिर हे गाइस, तो अभी जो है ना इवनिंग का टाइम है और यहाँ पे चल रहे हैं बच्चों के यूनिट टेस्ट, तो इसीलिए जो है ना बच्चे स्टडी कर रहे हैं। और यहाँ बेबो ने की है स्टोन पेंटिंग, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। देखिए सच में बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो जो है इसको ना पेंटिंग करने का शौक है, पारस को और इसको बेबो को, तो दोनों कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये तो स्कूल के लिए ही किया है शायद, इसने स्कूल में ही इनसे ये मंगवाया हुआ था स्टोन पेंटिंग करके। तो आपने देखा बेबो ने कितनी अच्छी पेंटिंग की थी, बहुत अच्छी की थी इसने। और इसको जैसे मैंने आपको बताया पीछे कि इन दोनों को ना शौक है, केशु को जो है पारस का जो है घर का नाम है, उसको प्यार से हम केशु बुलाते हैं, केशव, वैसे तो केशव है लेकिन हम केशु ही बुलाते हैं। और स्कूल का जो है इसका पारस है, मतलब निक नेम जो है इसका केशु है, और बेबो जो है उसका निक नेम है, और ऐसे उसका नाम ज्योति है। तो कई बार जो है ना मैं ज्योति बोल देती हूँ और कई बार पारस और केशु अलग अलग से बोल देती हूँ, कहीं आप लोगों को जो है कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो मतलब इन दोनों को ना शौक है, तो पेंटिंग ये दोनों करते रहते हैं। और पारस तो आजकल यूनिट टेस्ट लगे ना, फिर भी थोड़ा सा टाइम जो है पेंटिंग के लिए निकाल ही लेता है बीच में, मतलब पेंटिंग इसको करनी ही है, हर रोज कुछ ना कुछ करना ही है। और अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अभी जो है मंडे के दिन, यानी उस दिन थी संक्रांत, और एक तो लास्ट मंडे था सावन महीने का, और उस दिन जो था त्योहार भी था पितरों की संक्रांत, तो उस दिन हमारे जो है हिमाचली पकवान बनाए जाते हैं, जैसे स्वाड़ू भल्ले वगैरह ये चीजें बनाई जाती है। और इससे आगे जो है आप उस दिन का वीडियो देखोगे कि मैंने क्या क्या बनाया था। तो इस बार जो है मैंने स्वाड़ू और भल्ले तो नहीं बनाए थे, क्योंकि हाँ होशियारपुर में गर्मी है ना, तो गर्मी के चक्कर में जो है जितना मुझसे बन पाया वो मैंने बनाया है, अभी आप लोग आगे देख लीजिए। तो यहाँ पे ना फास्ट भी था, तो वैसे तो कसार बनता है आपको पता है ये फास्ट में मंडे के, लेकिन आज मैंने बनाया था ये सूजी का हलवा, और साथ में जो है यहाँ पे हमने बनाया है मटर पनीर, और साथ में जो है थोड़े से चावल भी बनाए थे। तो यहाँ पे ये मैं सब जो है रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया था। और एक साइड यहाँ पर बन रही है पूरियाँ, तो पूरियाँ बनाई थी, मटर पनीर था और थोड़े से चावल थे, और जो आज की स्पेशल डिश होती है ना वो पतरोड़े, तो वो भी बनाए थे मैंने। तो यहाँ पे बस मैंने पूरियाँ बना के रख ली थी और मैं अभी इनको जो है निकाल रही थी तेल में, और पतरोड़े भी बन गए थे, तो वो ये देखिए यहाँ पे जो है काट के रख दिए हैं, अभी जो है इनको तवे में करना है फ्राई।
और उसके बाद ये है नेक्स्ट डे का। यहाँ पे जो है सुबह का काम मेरा शुरू हो गया है। जैसे आपको पता ही है सुबह जो है ये हर मतलब मेरा ही नहीं हर घर की औरत का एक काम होता है साफ़ सफाई करना, वही यहाँ पे चल रहा है। तो जो भी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी थी उनको मैं सेट कर रही हूँ और थोड़ा बहुत जो भी डस्टिंग वगैरह रहती है ना वो, और फिर जी उसके बाद जो है लगा लूँगी झाड़ू। और काफ़ी दिनों से ना ये अलमारी के ऊपर मैंने जो है ना कपड़ा भी नहीं मारा था और ना यहाँ पे मतलब सफाई की थी इसके ऊपर। वैसे मैंने एक कपड़ा बिछाया था लेकिन वो जो है अभी धो के मैंने लगाया ही नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा, तो अभी वो लगा दूँगी। और बस जी अभी मैं लगा लेती हूँ झाड़ू और फिर उसके बाद जो है साथ के साथ मैंने कपड़ा भी लेके रखती हूँ और साथ के साथ ना थोड़ी बहुत जो भी डस्टिंग वगैरह रहती है साथ के साथ, जैसे एक रूम की जब झाड़ू लगेगा उसके साथ डस्टिंग भी कर लूँगी, फिर दूसरे रूम की भी, और इसी तरह से जो है पूरे घर की सफाई कर लूँ। तो यहाँ पे ना सारा काम निपटाने के बाद जो है मैं नहा गई हूँ और अभी जो है मैं अपना ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ। और बाहर ना मैंने वेडनेसडे को जैसे कि पिछले कल मैंने कपड़े धोए थे शाम के टाइम, तो अभी जो है उनको भी उठा दिया है। वो देखिए वहाँ पे बेड पे लगे हुए हैं, वो अभी मैं करूँगी उनको फोल्ड। लेकिन उससे पहले ना मैंने किचन में रखा था घी बनने के लिए, जब मैं अपना साफ सफाई का काम कर रही थी ना उस टाइम जो है मैंने घी बनने के लिए रख दिया था। उसको पहले डाल लेती हूँ डब्बे में और फिर जो है लंच का भी करना है कुछ। और अभी ना अभी टाइम हो रहा है 11:15 बज के हैं, तो आज जो है थोड़ा लेट हो गया है काम, तो अब चलते हैं किचन में और दाल भी बॉईल करने के लिए रख देती हूँ और साथ में जो है उस घी को भी निकाल लेती हूँ और उसके बाद करूँगी कपड़े फोल्ड। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे घी बन गया था और अभी मैं इसको ना हल्का सा गर्म कर ली हूँ, जैसे ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा फिर मैं इसको बंद कर दूँ, ज़्यादा नहीं बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि पता ही आपको थोड़ा काफ़ी देर होगी तो ये ठंडा हो गया है तभी अच्छे से जो है डब्बे में आ जाएगा। और आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, घी बनाने का एक सीक्रेट बताती हूँ। घी बहुत ही अच्छा होता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है। जब आप घी बनने के लिए रख दो ना, फिर जैसे ही वो बनने लग जाता है, मतलब बनने ही वाला होता है, तो उस टाइम ना उसमें आप थोड़ी सी मेथी ऐड कर दीजिए तो घी की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, मतलब और खाने में भी टेस्टी लगता है। वो खुशबू मेथी की जो है ना पूरे घी में एब्जॉर्ब हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए डाल लेती हूँ इसको। तो यहाँ पे जो है घी को मैंने रख दिया है और छन्नी को मैं रख दूंगी इस तरीके से गैस पे। अगर आपकी छन्नी ना ऐसे भी अगर साफ नहीं होती है ना, तो साफ करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर उसमें गंदगी जम जाती है और मतलब अच्छे से वो जो है साफ नहीं होती है, तो इस तरीके से ना आप आग के ऊपर या ऐसे जैसे रखिए गैस के ऊपर थोड़ा सा इसको जो है थोड़ी देर के लिए मतलब इसको ऐसे जलने दीजिए और फिर जो है विम से अच्छे से साफ कर दीजिए, तो छन्नी जो है बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। पूरे इसकी जो इसमें जो गंदगी लगी होती है ना वो जो है बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाती है। तो बस यहाँ पे आप देखना बिल्कुल भी इसमें जो है वो नहीं रहेगा घी का। फ्रेंड्स अभी जो है घी के जितने भी बर्तन गए थे उनको मैंने कर लिया है साफ और अभी ना मैं बना रही हूँ लंच। तो लंच में मैक्सिमम हमारे जो है दाल चावल बनता है, तो जितने भी मेरे प्यारे पुराने जो भी सब्सक्राइब है उनको तो पता ही है कि दाल चावल ही हम लोग दिन को खाते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ दाल नहीं बना रही हूँ आज बन रहे हैं कढ़ी चावल। तो अभी मैं बना रही हूँ कढ़ी, तो पहले बनाऊंगी पकौड़े। तो यहाँ सिर्फ मैंने प्याज की पकौड़ियाँ पहले मैं बना लूंगी और फिर उसके बाद जो है कढ़ी बनाऊंगी, क्योंकि मैंने मक्खन निकाला था तो लस्सी जो है मेरे पास पड़ी है तो लस्सी की ही कढ़ी मैं बनाऊंगी। तो चलिए अभी फटाफट जो है बना लेती हूँ लंच। और ना यार इतनी ज्यादा गर्मी लगती है ना मेरे को, पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा लगती है, देखना आप हालत। Thank you.
पारस कड़ी पत्ते के पेड़ पे चढ़ रहा है। थोड़े से लेके आ, दो चार पत्ते उठा के। यहाँ से मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, बहुत थोड़ा नीचे है ये। जल्दी लेके आ, आराम से। तो यहाँ पे ना पारस को भेजा था मैंने कड़ी पत्ता लाने, और ना हम इसको अपनी मंडियाली लैंग्वेज में कड़ी पत्ते को पता क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको गंदेलू, और हमारे जो है बहुत ज्यादा होता है ये, और काफी इसके जो है मतलब बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं। थैंक यू। तो पकौड़े बन के हो गए हैं रेडी, वो देखिए दिख रहे हैं। अभी बना लेते हैं फटाफट कड़ी। तो मैं बता रही थी आपको कि हम ना इसको बोलते हैं गंदेलू, एग्जॉस्ट बंद करो, इसको गंदेलू बोलते हैं हम। और इसके जो बीज होते हैं ना पर्पल जामनी जामनी कलर के जो पक जाते हैं, वो तो मतलब खाने में बहुत ज्यादा स्वाद लगते हैं। कई कई लोग उनको खाते भी हैं जब ये इसमें लग जाते हैं। अभी इसमें भी लगेंगे, पिछले साल भी इसमें लगे थे, अभी लगेंगे इसमें भी। जब लगेंगे तब दिखाऊंगी आपको। और जब उसको खाते हैं ना तो ये पूरे जैसे कड़ी पत्ते की जो खुशबू है ना पूरे मुंह में वैसी हो जाती है, और स्वाद लगते हैं वो खाने में, मीठे मीठे से होते हैं। कड़ी जो है काफी देर कड़ गई है, मतलब ये जो है अच्छे से बॉईल हो गई है। और अभी मैं डाल दूंगी इसमें ये पकोड़े जो मैंने बनाए थे, और थोड़ी देर के लिए एक उबाला इसको दिलाऊंगी और कर देंगे हम गैस को बंद। तो यहाँ पे ये देखिए जो है कड़ी बन के रेडी हो गई है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है कड़ी चावल मैंने बना लिए हैं, और अभी कर लेते हैं हम लोग लंच। और उससे पहले मैं वीडियो का एंड भी यहीं पे कर दूंगी। आई होप आपको जो है मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा, मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को जो है बेल के आइकन के साथ सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी जो है नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले, और आपको जो है मेरा चैनल सर्च ना करना पड़े। तो आज जो है मैंने पूरा मॉर्निंग से लेके यहाँ लंच तक का रूटीन, वैसे तो इवनिंग का भी हो गया है, पिछले कल का जो इवनिंग का भी शेयर किया है, तो पूरे दिन का ही आप रख लीजिए, मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन जो है मैंने आपके साथ शेयर किया है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर लवली सपोर्ट। अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का, बच्चों का, बुजुर्गों का, अपना भी। तो अभी मिलती हूँ कल, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।